टू ऑल. हमारा आज का वीडियो बेस्ड है प्रमस्तिष्क के ऊपर, सेरिब्रम. आपको सबको मालूम होना चाहिए कि ब्रेन के थ्री पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क. और जो फोर ब्रेन है उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज नोन एज द सेरिब्रम, या जिसको कि हम क्या बोलते हैं प्रमस्तिष्क, उसी को हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं. ये मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है. लगभग 2/3 पार्ट ऑफ द ब्रेन, मतलब 75% से लेकर और 80% ब्रेन का जो पार्ट है वो किससे बना हुआ है, दैट इज सेरिब्रम से बना हुआ है. तो सेरिब्रम जो है, प्रमस्तिष्क जो है, राइट, वो मस्तिष्क का सबसे सबसे विकसित भाग है. ठीक है. अब क्या होता है कि एक गहरी अनुलंब, अनुलंब विदर, विदर मतलब एक खांच. ठीक है. एक गहरी अनुलंब विदर प्रमस्तिष्क को दो प्रमस्तिष्क गोलार्धों के अंदर क्या कर देती है, विभक्त कर देती है. क्या कहा मैंने, प्रमस्तिष्क है, जैसे ये प्रमस्तिष्क है तो बीच में एक अनुलंब खांच जो है, एक विदर है, वो प्रमस्तिष्क को दो प्रमस्तिष्क गोलार्धों में क्या कर देती है, विभक्त कर देती है. इट डिवाइड्स द सेरिब्रम इंटू टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स. और इस विदर को हम क्या कहते हैं, मध्य विदर कहते हैं, राइट, या क्या कहते हैं, मीडियन फिशर कहते हैं. कहने का मतलब यह है कि मानो कि यह सेरिब्रम है, तो इस सेरिब्रम के अंदर एक विदर है, ये वाली, इसको मैंने कहा है मीडियन फिशर, मध्य विदर. ये सेरिब्रम को दो पार्ट्स में विभक्त कर देगी. ये वाला जो है वो क्या है, दैट इज दायां सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और इधर वाला जो है वो बायां सेरिब्रल हेमिस्फीयर है. तो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हो गए, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर. अच्छा, याद रखना, जितने भी लोग जो सीधे हाथ से लिखते हैं, राइट हैंडेड होते हैं, उनका लेफ्ट तरफ का सेरिब्रल हेमिस्फीयर डोमिनेट होता है, वर्क करता है. और जो लेफ्ट हैंडर्स होते हैं, जो उल्टे हाथ से लिखते हैं, उनका राइट पार्ट, ब्रेन का जो ये राइट पार्ट, सेरिब्रल, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, वो क्या होता है, एक्टिव होता है, डोमिनेट होता है. ठीक है, ये याद रखना. अच्छा, ये जो दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध हैं, ये आपस में एक नर्व फाइबर के बैंड के द्वारा, एक नर्व फाइबर यानी कि तंत्रिका तंतु के बैंड के द्वारा आपस में क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं. दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध आपस में एक तंत्रिका तंतु से बने हुए बैंड के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, और इस रचना को बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम. और ये जो कॉर्पस कैलोसम है, ये केवल और केवल स्तनधारियों के अंदर ही पाया जाता है. ये किसकी विशेषता है, इट इज द फीचर ऑफ द मेमल्स ओनली. और किसी भी कैटेगरी के प्राणियों के अंदर, किसी भी क्लास के मेंबर्स के अंदर कॉर्पस कैलोसम नहीं पाया जाता है. कॉर्पस कैलोसम केवल मेमल्स के अंदर ही पाया जाता है. अच्छा, अभी हम लोग सेरिब्रम को खूब सारा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार के लिए जान लें कि यदि कोई पूछे कि ओवरऑल सेरिब्रम का फंक्शन क्या है, तो ओवरऑल ये जो सेरिब्रम है, प्रमस्तिष्क है, इट इज अ सेंटर फॉर इंटेलिजेंसी. आपके अंदर जितनी भी जो आप बुद्धिमता होती है, आपके अंदर जो बुद्धिमानता होती है, इंटेलिजेंसी होती है, आपके अंदर जो मेमोरी होती है, याददाश्त होती है, रीजनिंग, जो आप तर्क वितर्क करते हैं, या आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा स्किल होती है, या जो आप स्पीच देते हैं, राइट, या जो आपका नॉलेज होता है, विल पावर, जो आपकी इच्छा शक्ति है, या जो आपके अंदर सृजनात्मक आइडियाज जो जनरेट होते हैं, इन सारी चीजों का नियंत्रण जो है वो किसके हाथ में है, दैट इज सेरिब्रम के हाथ में, प्रमस्तिष्क के हाथ में, जो मस्तिष्क का सबसे विकसित और बड़ा भाग है. अब यदि हम इंटरनली देखें तो हर एक प्रमस्तिष्क गोलार्ध को चार पिंडों में विभक्त किया गया है. ठीक है ना, हर एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू फोर लोब्स. ये आपके सामने मैंने जो चित्र बना रखा है, ये एक प्रमस्तिष्क गोलार्ध है. क्या है ये, एक प्रमस्तिष्क गोलार्ध है. ये एक प्रमस्तिष्क गोलार्ध है जिसके अंदर आपको चार लोब्स देखने को मिल रहे हैं. पहला लोब आपको फ्रंटल लोब दिखाई दे रहा है, दूसरा पैराइटल लोब, तीसरा ऑसिपिटल लोब, और चौथा जो है वो आपको टेम्पोरल लोब दिखाई दे रहा है. ठीक है, और याद रखना, इन चार लोब्स के बीच में, चार लोब्स के बीच में तीन विदर है, खांचे हैं, दरारें हैं, जो इन चार लोब्स को क्या कर रही है, विभक्त कर रही है. एक बार के लिए बता दूं,
कि ये देखो फ्रंटल और पैराइटल के बीच में सेंट्रल सल्कस है, आर यू गेटिंग, और ये जो तीन बेसिकली चार लोब्स हैं और तीन जो है वो क्या है दरारें हैं। तो देखो पैराइटल लोब और ऑसिपिटल लोब के बीच में पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस है, पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस है या पैराइटो ऑसिपिटल विदर है, और फ्रंटल और पैराइटल इस टेम्पोरल लोब से विभक्त है किसके द्वारा, लेटरल सल्कस के द्वारा। तो ये भी अपने डिस्कस करेंगे। तो एक बार के लिए देख लो, हर एक प्रमस्तिष्क गोलार्ध के अंदर चार तो है क्या चीज, पिंड है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब, और इन चारों के बीच में सल्कस विदर या खांच कितनी है, दैट इज तीन है, जो इनको क्या करती है विभक्त करती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लेते हैं फ्रंटल लोब। अच्छा, ये जो फ्रंटल लोब है ये कहां पर है, तो फ्रंटल लोब आगे की तरफ है, फोरहेड की तरफ है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध का ये जो भाग है फ्रंटल पिंड जिसको की कह रहे हैं, ये फोरब्रेन की तरफ, ये जो अपना फोरहेड होता है, फोरहेड ललाट जो होता है, फोरहेड होता है, उधर की तरफ है। और ये जो फ्रंटल लोब है ये बहुत बहुत खास है। क्यों है खास, क्योंकि ये जो फ्रंटल लोब है इट इज द सेंटर फोर, ये किसका सेंटर है, मतलब इसके द्वारा हमारे अंदर क्या क्या नियंत्रित होता है। तो इट इज द सेंटर फॉर नॉलेज, राइट, जो ज्ञान है उसका केंद्र है ये, क्रिएटिविटी किसी भी तरीके की सृजनात्मकता जो होती है उसका केंद्र है, रीजनिंग तर्क वितर्क का केंद्र है, जजमेंट यानी कि किसी भी प्रकार का जो आप निर्णय लेते हैं वो इसी केंद्र के द्वारा लेते हैं, जजमेंट, कोई आपके आइडियाज जो जनरेट होते हैं, क्रिएटिव आइडियाज, नए नए तरीके के जो आइडियाज आते हैं आपके अंदर, वो फ्रंटल लोब के अंदर होता है इसका सेंटर। लॉजिक है ना, आपने देखा होगा कई लोगों के लिए हम कहते हैं कि यार ये वो जो पर्सन है वो बहुत लॉजिकल है, बहुत लॉजिक बात करता है ना, बहुत पते की बात करता है, तो वो जो लॉजिक देते हैं आप किसी चीज का, उसका सेंटर भी फ्रंटल लोब में होता है। और जो आप सपने देखते हैं, ड्रीम्स देखते हैं, राइट, उनका सेंटर भी क्या होता है, फ्रंटल लोब के अंदर होता है। बड़े ड्रीम्स देखिए, बड़े बनेंगे आप, ओके, ड्रीम्स छोटे नहीं देखने चाहिए, बहुत बड़े देखने चाहिए, ठीक है। सो फ्रंटल लोब, ओके, अब फ्रंटल लोब के बाद में मुझे क्या पढ़ाना है, पैराइटल लोब। लेकिन आप देख सकते हैं कि फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब के बीच में, फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब के बीच में एक खांच है जो इन दोनों लोब्स को सेपरेट कर रही है, उसका नाम है सेंट्रल सल्कस। क्या कहते हैं इसको, सेंट्रल सल्कस, या इसको रोलेंडिक सल्कस कहते हैं, या रोलेंडिक खांच कहा जाता है इसको। इज इट क्लियर। अब आ जाते हैं दूसरा, दैट इज पैराइटल लोब। ये जो पैराइटल लोब है वो मिडिल में है। देखिए आगे कौन है, ललाट के पास में, फोरहेड के पास में तो कौन था, दैट इज नोन एज द फ्रंटल लोब। अब फ्रंटल लोब के थोड़ा सा पीछे वो क्या है, मिडिल भाग है। तो ये कहां पर है, प्रेजेंट इन मिडिल, ये मिडिल भाग में, मध्य भाग में है, ठीक है। एंड इट इज द सेंटर फॉर, ये किसका केंद्र है, तो इट इज द सेंटर फॉर परसेप्शन ऑफ पेन, मतलब आपको किसी भी प्रकार का जो दर्द का जो एहसास होता है वो किसके कारण होता है, पैराइटल लोब के कारण होता है। अरे बेटी, ये टच का केंद्र है, यदि आपको कोई स्पर्श करता है, टच करता है, तो उसका जो एहसास है, उस टच का जो एहसास है, राइट, एक माँ जो है वो अपने बच्चे के सर के ऊपर हाथ रखती है तो एक अलग फीलिंग जो होती है, मैं ये कहना चाहता हूं वो जो फीलिंग आती है वो किस सेंटर के कारण आती है, पैराइटल लोब के कारण। अरे बेटी, कई लोग जो है वो इंजेक्शन की सुई से कोसों दूर भागते हैं, राइट, उनको इंजेक्शन की सुई से डर लगता है, राइट, वो यदि अपने पैराइटल लोब को कंट्रोल कर लें तो शायद उनको इंजेक्शन से कभी भी डर नहीं लगेगा, ठीक है। टेस्ट का जो सेंटर है, आप जो विभिन्न प्रकार के स्वाद का जो ध्यान कर पाते हैं, राइट, वो जो गस्टेटरी सेंटर जिसको कि मैं कह सकता हूं वो भी यहां पर ही है। किसी भी प्रकार का दाब या ताप का जो परसेप्शन होता है, राइट, ताप का या दाब का जो परसेप्शन है, किसी भी प्रकार के दाब को आप जो महसूस करते हैं या किसी भी प्रकार के ताप को जो महसूस करते हैं, उसका केंद्र भी कहां पर है, पैराइटल लोब के कारण है। तो मैं कह सकता हूं पैराइटल लोब इज द सेंटर फॉर पेन, टच, टेस्ट, प्रेशर एंड टेम्परेचर, क्लियर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन, ऑसिपिटल लोब, तीसरा लोब है। लेकिन ऑसिपिटल लोब को मैं पढ़ाऊं उससे पहले, पैराइटल लोब और ऑसिपिटल लोब के बीच में, पैराइटल लोब और ऑसिपिटल लोब के बीच में एक और विधर है, इसको बोलते हैं पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। तो क्या लिखा हुआ है, पैराइटल लोब और ऑसिपिटल लोब के बीच में पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस है, जो इन दोनों पैराइटल और ऑसिपिटल पिंडों को क्या करती है, सेपरेट करती है। इज इट क्लियर। नाउ ये जो ऑसिपिटल लोब है, राइट, ये कहां पर है, तो देखो सबसे आगे कौन था, फ्रंटल, बीच में कौन था, पैराइटल, और जो पीछे वाले भाग में पोस्टीरियर रीजन जो है ब्रेन का, उसके अंदर कौन है,
पश्चिम भाग में कौन है ब्रेन के, तो ऑसिपिटल लोब है एंड इट इज द सेंटर फॉर विजन। ये किसका सेंटर, इट इज द सेंटर फॉर विजन, ये दृष्टि के लिए। आप यूं भी कह सकते हो कि जो विजुअल एरिया होता है राइट, मैं ये कह सकता हूं कि ऑसिपिटल लोब के अंदर क्या है, विजुअल एरिया है राइट, मतलब दृष्टि से संबंधित जो दृष्टि का जो ज्ञान होता है। देखिए देखते आप आंखों से है, लेकिन देखने के बाद किसी की पहचान जो होती है वो ऑसिपिटल लोब के कारण होती है। इज इट क्लियर? तो ये सेंटर फॉर क्या है, विजन के लिए। अब चूंकि मुझे टेम्पोरल लोब पढ़ाना है तो जो समझ लो कि टेम्पोरल लोब फ्रंटल और पैरेटल लोब से सेपरेटेड है और इन दोनों के बीच में एक अधूरी खांच है, पूरी नहीं। देखो ये यहां पर खांच ब्रेक हो गई इस जगह पर आकर, इसको हम क्या कहते हैं, लेटरल सल्कस कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटरल सल्कस। तो देखो टेम्पोरल लोब फ्रंटल और पैरेटल लोब से विभक्त है एक अधूरी खांच के द्वारा और उसका नाम क्या है, लेटरल सल्कस है। और ये थोड़ा सा पार्श्व भाग में जो है वो पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है टेम्पोरल लोब, तो पार्श्व भाग में। कहां पर, तो पार्श्व भाग कहां पर, यहां पर है। तो नेचुरली ये कहां पर है, कान के कहां पर होता है, पास में। इट इज प्रेजेंट नियर द ईयर और इसके अंदर तीन क्षेत्र होते हैं, इसके अंदर तीन एरियाज होते हैं, याद रखना। ऑडिटरी एरिया, जैसा कि नाम दर्शा रहा है, ऑडिटरी का मतलब क्या होता है, श्रवण से संबंधित है राइट, श्रवण से संबंधित है। तो ये जो एरिया होता है वो किसके लिए होता है, हियरिंग के लिए। तो सुनते तो आप कान से लाइक, लेकिन आपको किसी ने प्यार से बोला या गाली दी, इस बात का जो एनालिसिस है, आकलन जो होता है वो किससे होता है, ब्रेन से होता है। तो ऑडिटरी एरिया कहां पर है राइट, ये भी टेम्पोरल लोब के अंदर। फिर एक है ऑल्फैक्टरी एरिया, जैसा कि नेम शो कर रहा है, ऑल्फैक्टरी वर्ड कहां से है, ऑल्फैक्शन से है, और ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है, स्मेल। तो किसी भी गंध संवेदना का ध्यान आपको एकदम से मालूम पड़ जाता है, जब आप घर की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपको मालूम पड़ जाता है माँ कौन सा खाना बना रही है राइट, तो आपको मालूम पड़ जाता है। किसी के डीओ की या परफ्यूम की स्मेल जो है वो आपके मस्तिष्क के अंदर सेट रहती है कि हाँ इसने ये जो है वो डीओ या परफ्यूम लगाया। तो ऑल्फैक्टरी एरिया जो है वो किससे संबंधित होता है, स्मेल से संबंधित होता है। और वर्निक्स एरिया, ये जो वर्निक्स एरिया है ये स्पीच को अंडरस्टैंड करने के लिए है ना। जैसे मैं अभी मेरे लेक्चर के अंदर मैं बोल रहा हूं और आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप मेरी स्पीच को समझ पा रहे हैं क्योंकि आपका वर्निक्स क्षेत्र जो कि टेम्पोरल लोब है वो काम कर रहा है राइट। लेकिन मैं अभी बोल रहा हूं तो मेरा जो एक क्षेत्र है राइट, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ब्रोका एरिया जो है वो कौन सा, स्पीच एरिया है। ये कहां पर होता है, स्पीच एरिया कहां पर होता है, ब्रोका एरिया फ्रंटल लोब के अंदर होता है। तो जैसे मैं अभी बोल पा रहा हूं, तो मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मेरा ब्रोकास एरिया जो कि फ्रंटल लोब में वो काम कर रहा है और आप मेरी बात को सुन रहे हैं, तो आपके अंदर जो टेम्पोरल लोब के अंदर वर्निक्स एरिया है वो काम कर रहा है, इसलिए आप मेरी स्पीच को क्या कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। यदि मैं आपकी जगह पे आ जाऊं राइट और आप मेरी जगह पे आ जाए, तो मेरा तो वर्निक्स क्षेत्र काम करने लग जाएगा और आपका उस वक्त क्या करने लग जाएगा, दैट इज ब्रोकास एरिया काम करने लग जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो ब्रोकास एरिया काम कर रहा है और आप सुन रहे हैं, तो आपका वर्निक्स क्षेत्र क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो ब्रोका एरिया स्पीच देने के लिए होता है और वर्निक्स क्षेत्र जो है वो स्पीच को समझने के लिए होता है। आर यू गेटिंग? सो आज के वीडियो के अंदर हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस किया प्रमस्तिष्क का, जो मस्तिष्क का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आने वाले दिनों के अंदर हम ब्रेन से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो देखते रहिए, इसका स्क्रीनशॉट जो है इस वीडियो का वो मैंने वीडियो के अंत में डाल दिया, उसको जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट। Thank you.